आप मैडम सुनो सुनो, अरे फेवर तो पूछ लो क्या चाहिए। अच्छा बोलो, मेरी एक फोटो क्लिक कर दो मुझे। व्हाट्स अप गाइस, फाइनली आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज क्या करने वाला हूँ, टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैंने अभी कैमरा खरीदा है और मुझे लेंस की भी ज़रूरत है अपने वाइन चैनल के लिए, तो उसका खर्चा मैं अपनी सेविंग से नहीं बल्कि वाइनों पर ट्रेडिंग करके निकालूंगा। तो आप भी कैसे पैसे कमा सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, जैसे ही आप बाइनो मैप को डाउनलोड करके ओपन करोगे, देख सकते हो मेरे रियल अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है। यहाँ से आपको एसेट सेलेक्ट करना है जो कि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैं आपको इन्वेस्टमेंट चूज करनी है, तो चलो मैं यहाँ पर 7,000 इन्वेस्ट करूँगा। अब आपको प्रिडिक्ट करना है ये वाला जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो गाइस मुझे लगता है ऊपर जाएगा, तो मैं अपर 7,000 इन्वेस्ट कर देता हूँ। चलो अब रिजल्ट का वेट करते हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 12,810 रुपये कमा लिया। आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ट्रेडिंग हीरोज़ में काफ़ी सारे टूर्नामेंट चल रहे हैं, मिड जनवरी तक अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। थैंक यू। तो गाइस क्या करना है आपको, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर मैंने बाइनोमो का लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड करो, पैसा कमाओ। हम मिलते हैं आपसे एंड ऑफ द वीडियो। हाँ भैया जी, नहीं नहीं हम आ रहे हैं आपके पास 10 मिनट में। ठीक है ठीक है। Excuse me, आप कहीं और बैठ सकते हैं जाके। मैडम ये सरकारी सीट है, हम पूछ के क्यों बैठे। नहीं वो तो ठीक है। अच्छा, बट मैडम एक बात बताऊं, हमें आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए, करोगे। नहीं सॉरी। नहीं करोगे, कर दो ना मैडम। आप प्लीज़ किसी और से हेल्प मांग लीजिए प्लीज़। मैं किसी का वेट कर रही हूँ यहाँ पे। मैं ऑलरेडी से हेल्प कर दो। आई एम सॉरी, मैं पहले ही इरिटेटेड हूँ। मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ, वो लोग अभी नहीं आए हैं, तो प्लीज़ आप किसी और से मांग लीजिए फेवर। मैं ऑलरेडी उन्हें कॉल पे कॉल कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप किसी और। हमें फ्रेंड बना लिए। क्या क्या कह रहे हो आप ये? नहीं नहीं हम कुछ नहीं, प्लीज़ गुस्सा मत करो, मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए, कर दो। सॉरी मुझे कोई हेल्प नहीं करनी, आप प्लीज़ किसी और की हेल्प ले लो प्लीज़। मैडम और कोई नहीं है ना यहाँ पे, कोई करेगा नहीं, आप कर दो ना हेल्प। आप ढूंढो ना, वेट करो 5 मिनट, कोई तो आएगा। आप प्लीज़ किसी और से हेल्प ले लो प्लीज़। आई एम गेटिंग लेट, कर दो ना प्लीज़। आप मैडम सुनो सुनो, अरे फेवर तो पूछ लो क्या चाहिए। अच्छा बोलो। मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर दो, मुझे अपने मामा को सेंड करनी है। मामा को? हाँ वही तो थे कॉल पे, उनको मैं प्यार से भैया बोलता हूँ, बड़े भैया, लेकिन लगते वो मामा है। प्लीज़ आप एक फ़ोटो क्लिक कर दो, अच्छा लग रहा उन्हें? नहीं नहीं अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है जैसा भी लग रहा हो आप फोटो क्लिक कर दो प्लीज़। तो आपको मुझसे फ़ोटो क्यों क्लिक करानी है, किसी से भी करा लो। वो देखो सेल्फियाँ लेती है ना दिल्ली की, देखा है मैंने, तो मैंने सोचा कि मैंने फ़ोन भी बहुत महंगा लिया है, एक अच्छी फ़ोटो आ जाएगी। फ़ोन तो महंगा ले लिया बट कल। अच्छा आप पट्टी मैंने कल ही खोली है, किडनी बेच के लिया, ज़्यादा महंगा है ना, कर दो ना मैडम हेल्प। आप वो भैया है ना वहाँ पे, उनसे करा लो। भैया से नहीं करानी ना मैडम, आपसे करानी है प्लीज़, कर आप दो। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, मेरे को नहीं करना प्लीज़, आप किसी और से करा लो प्लीज़। मैडम कर दो, नहीं तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तो प्लीज़ जाओ, मैं तो यही चाहती हूँ। आप चाहते हो मैं चला जाऊँ यहाँ से? हाँ। एक फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते आप? ठीक है आप ना कह रहे हो तो। इरिटेट क्यों हो रहे हो? आप इरिटेट कर रहे हो इसलिए। एक फ़ोटो के लिए बोला है जस्ट। अच्छा ठीक है, 2 सेकंड दो मैम, मुझे थोड़ा पीछे हो गया, अच्छी फोटो आनी चाहिए। ओके okay. मामा खुश नहीं हुए ना तो बहुत मारेंगे मेरे को, थोड़ा और पीछे। लोग बंदियों को फोटो भेजते हैं, आप मामा को भेज रहे हो, फोटो अच्छी आएगी। हाँ आप थोड़ा सा इधर हो जाओ। अच्छा इधर आ जाओ। हाँ आप कैसा लग रहा हूँ मैम? आप प्लीज़ ये शेड हटा दो, बहुत बहुत फनी लग रहे हैं। बहुत चलो मैं ट्राई करता हूँ, अच्छा नहीं चाहिए फोटो। आप शर्ट क्यों उतार रहे हो? मामा को ऐसे भेजनी थी, उन्होंने बोला था, वो ट्रेनर है एक्चुअली जिम में, उन्होंने बोला था कि मेरे को फिजिक कंडीशन देखनी है तुम्हारी कैसी हो रखी है, तो अब आप मेरी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। पर आपने शर्ट क्यों उतार दी? फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, करो ना फोटो क्लिक। इधर उधर कहाँ देख रहे हो, सामने। ठीक है बैक की भी लेनी है,
अच्छा एक बाइसेप के साथ चेस्ट की। आ गई। अच्छा एक बार पीछे भी दिखाना प्लीज। बाय द वे आई एम सॉरी मैंने आपसे ऐसे बात की। आपकी बॉडी तो काफ़ी अच्छी है। फोटो आई कोई अच्छी? हाँ हाँ प्लीज चेक कर लीजिए एक बार। वाओ ये अच्छी है ना लाइक दिस। या ये भी बहुत अच्छी है। ये भी अच्छी है। ये भी अच्छी है। हाँ सारी अच्छी है। इंप्रेस हो जाएंगे मामा? हाँ मामा मतलब अब दोबारा। हाँ अगर वो ट्रेनर है तो आई थिंक काफी अच्छी ट्रेनिंग है आपकी। 3 महीने में खुद को लीन किया है। एक्चुअली मेरा काफी फैट आ गया था ना बॉडी में। काफी अच्छा किया है आपने। काफी अच्छा किया है। तुम भी जिम में जाते हो क्या? हाँ मैं भी जिम जाती हूँ। काफी फिट हो। थैंक यू। सीरियसली काफी फिट हो। थैंक यू। अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आई एम बिलोंग फ्रॉम यूपी। ओके यूपी में कहाँ से? यूपी में मुजफ्फरनगर। ओके अच्छा आप मेरे साथ गूगल पे सर्च मत करना उसको। अच्छा आप मेरे साथ वेट कर सकते हो जब तुम मेरे फ्रेंड्स नहीं आ रहे यहाँ पे? हाँ नहीं मैम लेट हो रहा हूँ मेरे को जाना है अभी। फोटो सेंड करनी है ना? अरे तो फोटो तो यहाँ से भी सेंड हो जाएगी ना? नहीं नहीं यहाँ से हाँ हो जाएगी लेकिन यहाँ पे नेटवर्क कम आते हैं ना। तो मैं आपको हॉटस्पॉट दे दूँगी। है हाँ हॉट और हाँ हॉट तो मैं हूँ ही स्पॉट मैं आपको दे दूँगी। पक्का? पक्का। चलो नहीं यार कितना टाइम वेट करना पड़ेगा तुम्हारे दोस्तों का? 10-15 मिनट आ रहे होंगे। आ रहे होंगे वो आ ही रहे होंगे। अरे अरे प्लीज अरे पाँच अब मैंने तुम्हारा काम किया मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम भी तो मेरे साथ वेट कर सकते हो ना। मैं अकेले बैठ के वेट कर रही हूँ। वाह ये सही है मतलब मैंने एक हेल्प मांग ली एक तो बड़ी मुश्किल से। तो मैं भी तो हेल्प ही मांग रही हूँ। अच्छा ठीक है ऐसे नंगे बैठो? नहीं हाँ ऐसे चलेगा। नहीं ऐसे चलेगा। ऐसे ही चलेगा? हाँ मेरे को ठंड लग जाएगी। कोई बात नहीं मतलब ठंड लगे तो लगे है ना कोई दिक्कत नहीं है। ऐप से काफ़ी अच्छे हैं। मैं टच करूँ एक बार? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने बहुत मेहनत की है मैंने उनके। नाम तो बताया ना तुमने अपना? ताशु। ताशु टी शर्ट उठा के रख दी। हाँ ऊपर मैं पकड़ लेती हूँ कोई बात नहीं। वाह इतनी केयर। ये क्यों पहन रहे हो? बैठो ना धूप आ रही है। हाँ तो धूप ही तो फेंक रहे हैं बैग को ज़्यादा ठंड लगती है। आओ बैठो। बैठा हूँ ना मैं सच में बैठा हूँ। लग रहा है जो फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बनने वाली है ना वो बनने नहीं दोगे तुम। पता है क्यों? क्यों रीज़न बताओ तुम्हें क्यों? चलो बता देता हूँ। एक्चुअली आई एम यूट्यूबर। ओके और मैं अभी रिएक्शन वीडियो शूट कर रहा था। ओके और देर इज माई कैमरा जो पीछे पेड़ के पीछे बंदा खड़ा है ना टकला। सो से टू हाई माई सब्सक्राइबर्स। हाय तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर ये रिएक्शन वीडियो में यूट्यूब पे डालता हूँ तो? नहीं पक्का? ठीक है अब मैं वेट कर सकता हूँ। बट आपने मुझे बताया क्यों नहीं मतलब? मैं रिएक्शन देखना चाहता था कि एक चूते सा बंदा आता है आपके पास तो एक लड़की क्योंकि मैं यहाँ पे ना काफ़ी देर से मतलब सुबह से हूँ ठीक है। नॉर्मल मेरे को नॉर्मल कपड़ों में काफ़ी लड़के दिखाई दिए तुम अच्छा ड्रेस अप डाला हुआ है तुमने तो मैंने देखा कि चलो यार बात कर लेता हूँ जाके। होपफुली गाइस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी तो क्या करना है यार लाइक कर देना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। आजकल क्या कर रहे हो यार वीडियो को शेयर नहीं करते इसलिए व्यूज़ काफ़ी टाइम बाद मिलियन तक जाती है वीडियो और जब तक मिलियन नहीं जाती तब तक मज़ा नहीं आता। तो प्लीज़ यार शेयर कर देना आपके 5-10 मिनट्स लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और हाँ यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है तो प्लीज़ फॉलो कर लेना अपने भाई को। वहाँ पर मैं अपनी डाइट टिप्स और पूरा दिन का मेरा जो शेड्यूल रहता है वो सब अपडेट वहाँ पर देता रहता हूँ। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।